हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। सो वी आर इन चैप्टर 7, दैट इज शेप्स, एंड वी वर लर्निंग 2D एंड 3D शेप्स। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डन सम एक्टिविटी ऑन शेप्स ओनली। आपको मैंने 2D शेप्स और 3D शेप्स दिखाया था, राइट? होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव लर्न दिस वन, एंड दिस वॉज योर होमवर्क। नाउ टूडे वी आर लर्निंग ट्रेसिंग शेप्स। वॉट इज इन दिस? सी, सो टूडे इज 15/7, लास्ट टाइम का 14/7। डोंट फॉरगेट टू राइट डेट, ओके? या आई नो कि मैं भूल जाती हूँ, बट आप मत भूलना, ओके? सो राइट डाउन डेट। नाउ सी व्हाट इज ट्रेसिंग शेप्स। द बेस ऑफ माय पेंसिल बॉक्स इज अ रेक्टेंगल। मेरे पेंसिल बॉक्स का बेस कौन सा शेप का है? रेक्टेंगल। बेस मतलब सी, ये बेस होता है हमारा, ये जो होता है लाइक दिस बेस, तो कौन सा शेप का होता है? रेक्टेंगल। बेस कौन सा शेप का होता है? रेक्टेंगल। नाउ बेस इज द फेस एट द बॉटम। बॉटम मतलब जो नीचे का, ये जो बैक पोर्शन, आप अगर पेंसिल बॉक्स को उल्टा करोगे तो ये आप देखोगे कौन सा शेप मिलेगा? रेक्टेंगल का। हाँ, फ्रंट में ये सारे डिजाइन यूसी ये सब होता है, कट किसी किसी का फैंसी होता है ना, लेकिन रेक्टेंगल बेस हमारा जनरली देखना रेक्टेंगल शेप का ही होगा पेंसिल बॉक्स का। नाउ सी, व्हेन वी ट्रेस द बेस फ्लैट फेस ऑफ अ सॉलिड शेप, वी गेट अ फ्लैट शेप। जब हम सॉलिड शेप का, आई मीन जब भी हम ट्रेस द बेस, हम अगर ट्रेस मतलब बनाएंगे, वी ऑफ ए सॉलिड शेप वी गेट अ फ्लैट। हम अगर कभी भी ड्राइंग बनाएंगे, कुछ भी ड्राइंग बनाना है, सपोज पेंसिल बॉक्स बनाए या क्यूब बनाए या एनीथिंग, तो हमारा जो बेस होगा वो होगा फ्लैट। सी, सपोज मैंने क्यूब बना रही हूँ, ड्राइंग अ क्यूब। नाउ सी, क्यूब बनाने के लिए पहले मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एंड स्क्वायर क्या है? फ्लैट फेस, फ्लैट शेप। स्क्वायर क्या है? वी आर लर्निंग फ्लैट शेप एंड सॉलिड शेप। फ्लैट शेप मतलब 2D शेप एंड सॉलिड शेप मतलब 3D शेप। जब भी हम ट्रेस करेंगे सॉलिड शेप बनाने के लिए, हमारा बेस क्या है, हमें फ्लैट फेस शेप ही मिलेगा। नाउ सी, अब हम क्यूबॉइड बनाएंगे ना, देन वी यूज टू ड्रॉ लाइक दिस। फिर ये जॉइन करते ऐसे, लाइक दिस। नाउ ये क्यूब बन गया। बट पहले जब हमने ट्रेसिंग किया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जो बनाया उसको क्या बनाया? फ्लैट, है ना? तो दिस इज ओनली कि जब भी हम सॉलिड शेप ड्रॉ करेंगे, हमारा जो बेस है वो फ्लैट फेस होगा, ओके? नाउ सी, वी गेट अ फ्लैट शेप। नाउ सी, अगर हम कौन, यू नो, आप एरोप्लेन बनाते हो या समथिंग, क्या आप लोग जेट उड़ाते हो, है ना? तो अगर आपको उसको बनाना होगा तो आपको पहले क्या बनना होगा? उसको ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना, देन वी कैन ड्रॉ। अभी मैंने आपको दिखाया कि मुझे अगर क्यूब बनाना है तो मैं पहले क्या बनाऊंगी? यस, स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। अगर मुझे जग बनाना है तो फर्स्ट मुझे फ्लैट कैसे बनाने का, एक सर्कल छोटा सा बनाऊंगी, तब देन ओनली वी कैन ड्रॉ। सर्कल बनाएंगे ना जग, सी ऐसे लाइक सेमी सर्कल या ओवल बनाएंगे, देन यू कैन ड्रॉ 2D शेप या समथिंग, कुछ भी। सो बुक बनाना है, देन ऑल्सो सबसे पहले हम बुक मतलब इट इज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे लाइक दिस, एंड देन यू कैन ड्रॉ अ बुक। अगर बनाना है तो आप उसके बाद ही बुक बना सकते हो। सो दे आर टेलिंग कि अगर कभी भी आपको 3D शेप बनाना है तो आपको बेस उसका फ्लैट फेस ही होगा, ओके? वी गेट अ फ्लैट शेप। नाउ सी, माइंड इट, देयर इज नो ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर विथ कर्व एजेस और कॉर्नर्स। ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड
स्क्वायर में कर्व मतलब राउंड, ये कर्व देखो ये वाला नहीं होता है, उसकी कॉर्नर एकदम लाइन में होनी चाहिए लाइक सी। अगर ये कर्व हमने बनाया तो ये 2D शेप्स नहीं बोलेंगे, सी लाइक दिस। या देख रहे आपको कॉर्नर्स नहीं मिल रहे आपको, एंड इन दिस वी आर गेटिंग कॉर्नर्स पॉइंटेड जो बोलते हैं ना। अगर ऐसे आपको कर्व मिल रहा है यहाँ पे कॉर्नर्स में, दैट मीन्स कि आपने प्रॉपरली 2D शेप्स नहीं बनाया। सो जब भी आप 2D शेप बनाओगे ऑलवेज यूज योर स्केल एंड पॉइंट टू पॉइंट आप बनाओगे लाइक सी। आप क्या करोगे, ट्राइंगल बनाना है तो डॉट दे दो एंड देन ऐसे बनाओगे है ना। और अगर आप ऐसा करोगे ना, ये जैसे आपने ये अगर ये कर्व हो गया ना, दैट मीन इट इज नॉट अ 2D शेप राइट। सो व्हेनेवर आई विल टेल यू कि आप ड्राइंग करो तो आप क्या करोगे, प्रॉपरली ड्रॉ करना ठीक है। नाउ आई विल शो यू टुडे रोलिंग एंड स्लाइडिंग। यू नो किड्स, अगर आप स्कूल पे होते ना तो ये एक्टिविटी हम गार्डन में करते अपने, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था जो सेकेंड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, एंड बहुत इंजॉय किया था हमने। सुन वी विल मीट, होप सो हम जल्दी जल्दी स्कूल में फिर से मिले, स्कूल स्टार्ट हो जाए, एंड देन आई विल शो यू दिस एक्टिविटी इन द गार्डन। और गार्डन में ये बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्लाइडिंग है और सारा ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे वो स्लाइड करता है या रोल करता है। बट अभी हमारे पास गार्डन तो नहीं है एंड वी आर नॉट इन स्कूल, सो हम अब ये वाला एक्टिविटी आपको मैं यही करके दिखाऊंगी राइट। ओके नाउ फॉर दिस आई विल शो यू, लेट आई विल शो यू प्रैक्टिकली। ओके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ओके नाउ सी, ये छोटा सा मैंने एक स्लाइडिंग जैसा बनाया है। ओके अब इसमें आपको पता चलेगा कि विच कौन कौन से शेप रोल करते हैं या स्लाइड करते हैं। ओके नाउ सी, सबसे पहले मैंने पेंसिल ली, सी दिखा आपको क्या हुआ पेंसिल में, स्लाइडिंग हो गया, पेंसिल रोल 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 करके स्लाइड कर दिया। तो पेंसिल क्या हुआ, सी रोल हो गया, दैट मीन्स जब हमने इसको स्लाइड पे डाला ऐसे तो ये रोलिंग, सो पेंसिल कैन रोल बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके पास कर्व, सी ये राउंड है, जिसके पास भी कर्व शेप अगर एक हो, कर्व शेप होगा दैट इट विल रोल, वो रोल करेगा। देखा आपने आवाज आई, ये लाइक सी नाउ आई एम टेकिंग दिस डाइस, अब ये देखना आप क्या करेगा, सी सी अगर डाइस को हमने किया तो डाइस रोल करेगा, कैन यू सी, देखो ये क्या कर रहा है, स्लाइड, ये रोल नहीं करेगा क्योंकि इसमें कर्व शेप नहीं है, कर्व मतलब राउंड राउंड जैसे सिलेंडर में मैंने आपको दिखाया था, बट सी ये स्लाइडिंग करेगा। अभी तो यू कैन सी यह, बट अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, पुश करोगे ना यहाँ से, तो वो स्लाइड करेगा। सी आई एम शोइंग यू दिस, ये क्यूब भी है देखो, ये भी स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। नाउ सी आई एम शोइंग यू दिस स्फीयर, कैन यू सी, ये राउंड है, देखना आप घर पे ट्राई करना ठीक है। ये देखो ये क्या करेगा, स्लाइड रोल, क्योंकि इसका भी कर्व फेस है, ये पूरा राउंड है तो ये भी रोल करेगा। नाउ सी सिलेंडर, सिलेंडर दोनों करेगा, देखो अगर हम ऐसे इसको लाइक दिस, ये शेप है, हम ऐसे करेंगे तो ये रोल करेगा, और अगर हम स्ट्रेट इसको डालेंगे लाइक दिस, स्ट्रेट करेंगे तो ये स्लाइड करेगा। मीन्स अगर हम फ्लैट शेप से इसको करेंगे तो ये स्लाइड करेगा, और कर्व फेस से करेंगे तो ये रोल करेगा। सी दिखा, तो आप कोई भी चीज़ रखना, ओके सपोज इरेजर आपके पास है, नाउ सी मेरे पास मार्कर है, देखो रोल कर गया बिकॉज ये सिलेंडर शेप का होता है, एंड आई विल शो यू इरेजर, सी ये क्यूबॉइड शेप का है, सी इसको अगर मैं करूँगी तो ये तो मेरा स्लिपरी नहीं है, थोड़ा छोटा है, जब हम स्लाइड में करेंगे एंड यू विल पोस्ट तो ये भी स्लाइड करेगा,
लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे रोल 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 नहीं करेंगे, राइट तो और आपको बैठाएंगे तो आप क्या करते हो, अगर आप स्लाइडिंग में बैठते हो रोल करते हो या स्लाइड करते हो? यस, आप भी स्लाइड करोगे क्योंकि आप भी कर्व नहीं हो, है ना? तो वी विल एंजॉय दिस एक्टिविटी इन आवर क्लासेस, जब हमारे क्लास जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए, देन आई विल टेक यू इन द गार्डन और हम ये गार्डन में एक्टिविटी करेंगे, ओके? तो आज तो अभी इतना समझ लो आप, सी कोन, कोन को अगर ऐसे डालेंगे तो ये रोल किया, एंड अगर ऐसे डालते हैं फ्लैट शेप में तो ये स्लाइड करेगा। नाउ सी आई एम शोइंग यू सम मोर, सी ये मैच बॉक्स, ये क्यूबॉइड शेप का होता है, इसमें कर्व फेस नहीं है तो ये खाली स्लाइड करेगा, राइट? इसको पुश भी करोगे ना तो भी ये रोल नहीं करेगा, ये स्लाइड करेगा। नाउ सी दिस इज कोन, अगर मैं इसको सीधा कोन से में सी, अगर हाँ देखो ये स्लाइड कर रहा है, कैन यू सी? बट अगर मैं इसको ऐसे डालूंगी तो देखा, तो इट इज रोलिंग, यस। सो आप ये एक्सपेरिमेंट आज घर पे करना, ओके? कुछ कर्व चीज़ें ले लेना, सिलेंडर टाइप हो और कोन टाइप, एंड कुछ फ्लैट चीज़ें लेना लाइक क्यूब टाइप का, क्यूबॉइड टाइप का, एंड ऐसे स्लाइडर बनाना एंड ट्राई दिस, ओके? कि ये स्लाइड करता है या रोल करता है, राइट? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। होप आपने यहाँ डेट लिख ली होगी 15/7, एंड सो सी द पेंसिल हैज द कर्व सरफेस, पेंसिल मैंने आपको दिखाया कर्व सरफेस है तो इट रोल्स, और डाइज भी मैंने आपको दिखाया, डाइज में ये फ्लैट है तो इट स्लाइड्स, पेंसिल रोल किया, दिखाया ना मैंने, सी अगेन आई एम शोइंग, देखो ध्यान से, ये और डाइज देखो, कैन यू सी डाइज क्या कर रहा है, स्लाइड, एंड पेंसिल रोल करेगा तो आपको आवाज भी अलग से आएगी, देखो, यस, एंड डाइज विल बी स्लाइड, राइट? सो दिस पे यू विल डू एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो, करना घर पे, ओके? नाउ सी स्लाइड, दिस सॉलिड शेप्स है फ्लैट फेसेस, ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है उसमें फ्लैट फेसेस होते हैं, ये ना आपको दिखाया मैंने फ्लैट फेसेस, तो इट विल दे कैन स्लाइड बट कैन नॉट रोल, ये स्लाइड करेंगे रोल नहीं करेंगे। दिस सॉलिड हैज फ्लैट फेसेस, दिस सॉलिड शेप हैज नो फ्लैट फेसेस, यहाँ पे स्पेयर में फ्लैट फेस ही नहीं है, पूरा कर्व है, सी इसको रखोगे तो हैंड में भी आपका देखो स्लाइड करेगा, कैन यू सी? अगर आप हाथ में भी रखोगे एंड मूव करोगे तो ये इट विल रोल, करेक्ट? सी यू कैन सी इन दिस, सो इट हैज नो फ्लैट फेसेस, इट कैन रोल बट कैन नॉट स्लाइड, तो ये रोल कर सकता है बट स्लाइड नहीं करेगा। नाउ रोल एंड स्लाइड, नाउ सी मैंने आपको बताया सिलेंडर और कोन, सिलेंडर एंड कोन, अगर आप उसको स्ट्रेट ऐसे करके रखोगे तो ये स्लाइड करेगा, राइट? सी आपको दिखाती हूँ मैं, नाउ सी देखा, एंड अगर ऐसे रखेंगे तो रोल, तो सिलेंडर दोनों कर सकते हैं, कोन एंड सिलेंडर दे कैन, अगर फ्लैट फेस में रखोगे तो इट विल स्लाइड, एंड कर्व फेस में रखोगे देन इट विल रोल, अगर ऐसे बिठाओगे तो इट विल सी इट इज रोलिंग, कैन यू सी? यस, नाउ सी कोन ऑल्सो, एंड सीधा रखोगे अगर देन इट विल स्लाइड, सी स्केल लेना देन सी, अब मैंने कोन रखा है, देखो देखो ये स्लाइड कर गया, एंड अगर मैंने ऐसे रखा तो रोल, सेम सिलेंडर को अगर ऐसे रखूंगी तो रोल, अगर मैं सीधा करूंगी तो इट विल स्लाइड, सो रोल एंड स्लाइड मीन्स कोन और सिलेंडर दिस बोथ से दोनों कर सकते हैं, रोल भी और स्लाइड भी, राइट? सो नाउ यू हैव टू डू, सी व्हाट द, लेट्स सी द फैक्ट जोन, मूव योर पाम अराउंड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, इफ योर पाम टर्न्स देन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज नॉट फ्लैट, सी मैंने
ये पाम को मूव करो, सी ऐसे मूव करोगे, इफ योर पाम टर्न्स, टर्न हो जाता है, द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज नॉट फ्लैट। आप ट्राई करना, फ्लैट ये बॉल लेना हाथ में और ऐसे करना, राइट। नाउ मूव टू एक्सरसाइज टू, लाइक दिस, मैच ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स शेप। आपको शेप को मैचिंग करना है और वो कौन सा शेप है वो लिखना है। सी नाउ दिस इज द लुक्स लाइक कोन शेप, आप यहाँ कोन लिख देना। बटर का शेप क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के साथ मैच करके एंड यू विल राइट हियर, आप क्यूबॉइड लिख लेना, राइट। 1 2 3 यू कैन राइट, आप कोई भी यहाँ पे शेप लिख लेना, ठीक है। आपने नाउ सी बटर को मैच करना है यहाँ एंड यू कैन राइट हियर क्यूबॉइड, ओके। कौन कौन से शेप्स आपको मिले हैं वो इसमें से आपको लिखना है, मैच करना एंड देन यू विल राइट, राइट। सो दिस विल बी योर होमवर्क एक्सरसाइज 2 15 7 का होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑल्सो यू विल डू, लुक अराउंड इन योर क्लासरूम और एट होम। अभी तो क्लासरूम नहीं है तो आप घर पे देखना, वट ऑब्जेक्ट्स कैन यू फाइंड दैट आर शेप्ड लाइक द फॉलोइंग सॉलिड्स। मतलब आप अपने घर पे देखना और वहां देखना क्यूबॉइड शेप में क्या क्या है आपके पास, राइट। सी आपको क्यूबॉइड में आपको पिलो जिसपे आप सर रख के सोते हो, वो कौन सा शेप का होता है, क्यूबॉइड, तो यू कैन राइट पिलो। एंड टेलीविजन, ये आपको करना है, ओके। स्पीयर शेप में क्या क्या है आपके घर पे, यू विल फाइंड आउट एंड यू विल राइट। अगर आपको 2 मिले तो 2 ही लिखना, 3 मिले तो 3 लिखना, ओके। सिलेंडर शेप में क्या है, बॉटल्स होते हैं आपके घर पे, है ना। ऐसे बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे, आप अपने घर पे पूरा राउंड मारना, बेडरूम में जाना, ड्राइंग रूम में, एंड फाइंड आउट कि कौन सी चीज़ें कौन सी शेप की, एंड देन राइट डाउन। और अगर स्पेलिंग नहीं मिले आपको करेक्ट स्पेलिंग, तो प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। क्यूब शेप में क्या क्या है, आपको कुशन कवर पता है, सोफा में कुशन कवर होता है, कुशन होता है, वो होता है क्यूब शेप का, तो यू कैन राइट। अगर स्पेलिंग ना मिले, इफ यू डोंट नो द स्पेलिंग, सो व्हाट यू विल डू, यस मम्मा का हेल्प लो या गूगल का हेल्प लो, राइट। अभी तो आपको फोन ही यूज करना है, बिकॉज आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू, एंड ट्राई टू डू दिस, ओके। नाउ दिस, प्रेस द बेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नेम ऑफ द शेप यू गेट। आपको बेस बनाना है, खाली बेस, मतलब डाइस अगर बनाओगे तो क्या बेस मिलेगा, स्क्वायर, चौक, चौक बनाओगे तो आपको पता है ना सिलेंडर टाइप का बनाना है आपको, लाइक दिस, इरेजर, तो क्यूब टाइप का बना, क्यूबॉइड टाइप का बनाओगे, बॉटल केप, बॉटल केप बनाना है, आप बॉटल ले लो छोटी सी, उसे ड्रॉ रख के ड्रॉ कर लेना, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ईजी, आपको सिर्फ बेस बनाना है, मीन्स इसको 3D टाइप का नहीं बनाना है, ओके। सो दिस विल बी योर होमवर्क। एंड नंबर 4, दिस ऑल विल बी होमवर्क, क्योंकि लास्ट क्लास में आपका होमवर्क ओनली थोड़ा सा ही था, सो यू कैन डू दिस वन, राइट। नाउ नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सॉलिड, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस लिखना है, शेप का नाम लिखना है, देन यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स। सो अप टू 4 विल बी योर होमवर्क ओनली, ओके। सो एक्सरसाइज 2 में 1 2 4, सो दिस मच फॉर टुडे, एंड लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि आप प्रैक्टिकली वो रोलिंग और स्लाइडिंग वाला एक्टिविटी घर पे करना, यू विल एंजॉय दैट। एंड 2 एक्टिविटीज आपको करनी है,
एक आपको ये भी घर पे राउंड मारना है और देखना है क्या क्या शेप है, राइट, एंड राइट डाउन वो चीज का नाम जो भी आप फाइंड आउट करोगे। शेप्स चीज है तो चीज में क्यूब आता है, तो चीज लिख देना यहाँ पे। बटर है तो वो क्यूबॉइड शेप का हो गया। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। होप यू ऑल एंजॉय दिस क्लास। मीट यू सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।